दोस्तों, मैं लीना सिंगोदिया, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। और अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट व शेयर करें। आज हम बनाने जा रहे हैं जन्माष्टमी स्पेशल, उस जन्माष्टमी स्पेशल पंजीरी जो कि कृष्ण जन्माष्टमी पर उनके पूजन के लिए बनाई जाती है, उनके भोग के लिए। तो आज हम वो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम काजू बादाम को चार चार पांच पांच टुकड़ों में लंबा लंबा काट लेंगे। काजू के हम थोड़े बड़े बड़े चार चार टुकड़े कर लेंगे। सारे काजू हमने काट लिए और इसी तरह से हम थोड़े बड़े बड़े बादाम काट लेंगे, चार चार टुकड़े कर लेंगे इसी तरह हम बादाम के। इस तरह से चार चार टुकड़े हम बादाम के कर लेंगे। ये सारे ड्राई फ्रूट्स हमने काट लिए हैं और अब हम एक कढ़ाई लेंगे। हम कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं, नॉन स्टिक ले सकते हैं। मैं नॉर्मल कढ़ाई जो हर किसी के घर में होती है वो कढ़ाई हम ले रहे हैं। ये एक बड़ा चम्मच घी है, इसमें से हम थोड़ा घी कढ़ाई में डालेंगे और घी को थोड़ा गर्म होने देंगे। गैस को हमने मीडियम कर लिया है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे। और हमारा घी गर्म हो गया है, घी में देखिए बुलबुले उठने लग गए। घी हमारा गर्म हो गया, अब हम इसमें ये ड्राई फ्रूट्स काजू और बादाम डालेंगे और इनको हल्का ब्राउन होने तक चलाते हुए भूंद लेंगे। ये हमारे ड्राई फ्रूट्स भुंद गए हैं और अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा घी और डाल लेंगे, बाद में अगर हमें कम लगेगा तो हम वापस से थोड़ा और डाल सकते हैं, लेकिन एक बार में हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। और अब हम इसमें ये धनिया डालेंगे, बारीक पिसा हुआ धनिया है, 100 ग्राम है ये। अगर हम कटोरी से नाप देखते हैं तो एक कटोरी है और ऐसे देखते हैं तो ये नाप में 100 ग्राम है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही लगातार हिलाते हुए भीनी भीनी महक आने तक हमें इसे भूनना है। हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि अगर धनिया ज़्यादा भून जाएगा तो कड़वा हो जाएगा, कड़वा टेस्ट देगा, इसलिए हमें इसे हल्का सा भूनना है जब तक कि इसमें भीनी भीनी महक नहीं आने लग जाती। गैस को हमें बिल्कुल कम कर देना है धनिया डालने पर, क्योंकि मीडियम पे भी ये रहता है कि कभी हमारा धनिया जल ना जाए या ज़्यादा ना सिक जाए। और इस तरह से हिलाते हुए हमें इसे सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट भूनना है। इसमें हल्की हल्की महक आने लग गई है, हम इसे 1 मिनट और भून लेंगे और फिर हम गैस बंद कर देंगे। ये हमारा धनिया भून गया है, इसमें हमने 3-4 छोटी चम्मच घी लिया था, बाकी हमने रख लिया और अब हमने गैस बंद कर दी है। ये हमारा धनिया देखिए एकदम हल्का हल्का भुंदा हुआ, लाइट एकदम ब्राउन महसूस हो रहा है। और अब हम इसे बंद कर देते हैं और थोड़ा ठंडा होने देंगे। हम इसे कढ़ाई की जगह एक बड़े बर्तन में डाल लेंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। चाहे तो हम कढ़ाई में भी ठंडा कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि कढ़ाई गर्म होती है तो अगर हमारा धनिया कढ़ाई में ही पड़ा रहेगा तो ज़्यादा भी सिक सकता है, इसलिए इस तरह हम फैला करके इसे 2-3 मिनट थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये हमारा धनिया ठंडा हो गया है और अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स मिला देंगे, काजू और बादाम जो हमने फ्राई किए थे। ये नारियल है सूखा हुआ, इसे हमने छोटा छोटा लंबा लंबा काट लिया है, ये भी हम इसमें डाल लेंगे। और 2 छोटी चम्मच किशमिश है, ये भी हम इसमें डाल लेंगे। और ये बूरा है, अगर हम ग्राम्स में देखते हैं तो ये 150 ग्राम बूरा है और जितना हमने धनिया लिया है उससे थोड़ा ही कम हम बूरा लेंगे। अगर 100 ग्राम हमारा धनिया है तो हम 80 ग्राम के समथिंग बूरा शक्कर ले लेंगे और इसे अब हम इसमें मिक्स कर देंगे। बूरा शक्कर हम इसमें मिक्स करके देख लेंगे
और बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं कि भाई हमें कितना मीठा चाहिए, और प्रसाद को देखने पर भी मालूम चलता है कि भाई हमें भूरा शक्कर और कितना डालना है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने पे देखिए हमारा भूरा शक्कर इसमें इनफ हो गया है और हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम और नहीं मिलाएंगे। हमने आधी कटोरी भूरा मिलाया और बाकी आधी कटोरी हमने रख लिया है। ये हमारी पंजीरी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें 4-5 तुलसी जी के पत्ते तोड़ करके मिक्स कर देंगे। तुलसी जी जो कि कृष्ण जी भगवान को बहुत प्रिय है और उनके प्रसाद में ज़रूर डाली जाती है, तो इसे हम छोटी छोटी तोड़ करके और हमारे प्रसाद में इस तरह से मिला देंगे। हमारा प्रसाद बन करके तैयार है। जब हम भोग के लिए इसे रखेंगे तो हम फ्रूट काट के साथ में इसमें फ्रूट भी भोग के लिए रख सकते हैं प्लेट में, क्योंकि फ्रूट भी रखे जाते हैं और पंचामृत बनाया जाता है। तो ये हमारा प्रसाद तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसे सर्व करके बताती हूँ। तो ये हमारा जन्माष्टमी के लिए पंजीरी का प्रसाद बन करके तैयार है भोग के लिए। आप कृष्ण जी को भोग लगाइए, बनाइए, और मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।